रोल नंबर 32 36, स्कूल वाला रोल नंबर मत लिख देना बाबा, एक एक तो बच्चा लोग गलती करता है। ओनली योर नेम माय डियर स्टूडेंट्स, एंड मैं क्वेश्चन आपको भेजूंगा, क्वेश्चन लिखने का भी दरकार नहीं है, सिर्फ आंसर वन का भी, वन जैसे मान लीजिए एमसीक्यू है तो एमसीक्यू में क्या करिएगा, वन का भी मान लीजिए क्वेश्चन है थ्री, आंसर है थ्री, तो थ्री वन का भी थ्री, टू का सी हेनरी फियोर, थ्री का डी, ऐसे करके आप आंसर लिखना, मैं तरीका बता रहा हूं। और ऐसे क्यों तो आपको पता ही है पूरा लिखना पड़ेगा, ऐसे क्यों तो पूरा ही लिखना पड़ेगा रे बाबा, ठीक है। तो क्लास खत्म होगा उसके बाद मैं आपको 5 मिनट दूंगा, फिर मैं आपको पेपर भेजूंगा, और पेपर आपको टेस्ट कंप्लीट करना है, जब मैं पेपर भेजूंगा उसके बाद मैं टाइम बता दूंगा आपको, उतना देर के अंदर आपको पेपर हमको मेल में भेज देना है। किसी को मेल करना नहीं आता हो तो भैया दीदी कोई हो तो उससे पूछ लीजिए, पीडीएफ बना के भेजिएगा, फोटो मत भेजिएगा, पीडीएफ बना के, भैया पीडीएफ आपका व्हाट्सएप में दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं, नहीं पीडीएफ व्हाट्सएप में नहीं दे सकते बाबू, सॉरी क्यों नहीं दे सकते ना, क्योंकि व्हाट्सएप में ना व्हाट्सएप हैंग करने लगता है, और दूसरा चीज़ ये है कि व्हाट्सएप में देंगे तो हम चेक नहीं कर पाएंगे ठीक से, मेल में रहेगा हम आपको चेक करके भेज देंगे। चलिए हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए। लास्ट क्लास में लोग पढ़े थे कि मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैं तो आपको इतना रिवीजन करा दूंगा ना कि उसी में आपका पहला टेस्ट पूरा बढ़िया जाएगा। चलो भाई बताओ एक बार रिवीजन करते हैं, देखते हैं कौन बताता है भाई, मैनेजमेंट के फादर का नाम क्या बताइए, हु इज द फादर ऑफ मैनेजमेंट गाइस, प्लीज टेल मी हु इज द फादर ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फ्योल, तानिया ने कहा हेनरी फ्योल भैया, श्याम ने कहा हेनरी फ्योल, हेनरी फ्योल फाइन। अच्छा बताइए मैनेजमेंट का फंक्शन कितना है, 3 या 5, फंक्शन कितना है बताइए, वेरी गुड गाइस, अप्रिशिएटिंग, वेरी गुड। उसके बाद ये मैनेजमेंट साइंस है क्या, मैनेजमेंट साइंस है क्या, बोलिए नहीं है भैया, ये सोशल साइंस है, सोशल साइंस। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जबरदस्त वाला रिप्लाई दे रहे हैं, रुचिता ने अपना रिप्लाई दिया। चलिए अब मैनेजमेंट को ना कुछ लोगों ने 8B कहा है, सुनिए अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का, पेज नंबर 2 में देखिए, कुछ लोगों ने मैनेजमेंट को 8B कहा है, व्हाई दे हैव कॉल्ड इट एज एन आर्ट, उन लोगों ने मैनेजमेंट को 8 क्यों कहा है, क्योंकि मैनेजमेंट इज अबाउट प्रैक्टिस, 8 मतलब कला, 8 एक प्रैक्टिस होता है, जैसे आंसर लिखोगे तो आप लोग सभी बच्चों का लिखने का अपना अपना एक तरीका होगा, उसको आपका 8 बोलेंगे, 8, तो मैनेजमेंट इज ऑल्सो एन आर्ट माई डियर स्टूडेंट, मैनेजमेंट क्या है तो मैनेजमेंट भी एक आर्ट होता है, क्या होता है बाबू, आर्ट। तो बताइए मैनेजमेंट साइंस भी है आर्ट भी है, इसीलिए अगर मैं ये कहूँ कि मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट, तो क्या मैंने कुछ गलत कह दिया, भाइयों बहनों प्लीज रिप्लाई, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया, इफ आई से मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट डिड आई से एनीथिंग रॉन्ग, नो एब्सोल्युटली नो, अगर मैं ये कह दूं कि मैनेजमेंट आर्ट भी है और साइंस भी है तो आप लोग गुस्सा हो जाओगे क्या, आप लोग गुस्सा हो जाओगे क्या, झगड़ा करोगे क्या मेरे से, ना ना भैया ना ना, बहुत बढ़िया, कोई गुस्सा नहीं होगा, कोई झगड़ा नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि मैनेजमेंट को साइंस भी बोलते हैं और मैनेजमेंट को आर्ट भी बोलते हैं, इसीलिए मैनेजमेंट को दोनों बोलते हैं, तो मैनेजमेंट इज साइंस एंड आर्ट बोथ, सो द आंसर इज मैनेजमेंट इज साइंस, मैनेजमेंट इज आर्ट, मैनेजमेंट इज बोथ, मैनेजमेंट साइंस भी है, मैनेजमेंट आर्ट भी है और मैनेजमेंट दोनों है, साइंस आर्ट बोथ, ओके गुड। आगे आते हैं, तो क्यों मैनेजमेंट को आर्ट क्यों बोला गया, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि मैनेजमेंट इज अ सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब होता है इट इज अ ब्रांच ऑफ स्टडी, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता तो मैं आपको यह पढ़ाता कि वाई मैनेजमेंट इज द आर्ट, बट राइट नाउ दैट इज नॉट नीडेड, What is needed is मैनेजमेंट साइंस होता है, मैनेजमेंट आर्ट भी होता है, कुछ लोगों ने कहा मैनेजमेंट साइंस है, कुछ लोगों ने कहा मैनेजमेंट आर्ट है, इसलिए मैनेजमेंट को अगर ऑप्शन में एमसीक्यू में आपसे पूछा जाए मैनेजमेंट इज साइंस, मैनेजमेंट इज आर्ट या फिर बोथ, तो योर आंसर विल बी बोथ, मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस, ठीक है भाई लोग एंड बहनों। चलिए अगला है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, प्रोफेशन कुछ लोगों ने मैनेजमेंट को प्रोफेशन भी कहा, मतलब अगर आप ठीक से देखेंगे तो मैनेजमेंट को सब कुछ बोला गया है, सम पीपल सेड इट द आर्ट, सम पीपल सेड इट द साइंस, सम पीपल सेड इट द प्रोफेशन, नोबडी सेड इट एज द कॉमर्स, बट स्टिल वी द स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स आर स्टडिंग दिस, हिंदी में बोल रहे सुनिएगा,
कुछ लोगों ने कहा आर्ट, कुछ लोगों ने कहा साइंस, किसी ने ये नहीं कहा कि मैनेजमेंट कॉमर्स है। फिर भी हम लोग कॉमर्स के बंदे पढ़ते हैं इसको। हम लोग के बंगाल बोर्ड में ये एक मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछेगा कि बताओ मैनेजमेंट साइंस है आर्ट है या क्या है। तो मैनेजमेंट साइंस है लेकिन सोशल साइंस है, मैनेजमेंट प्योर आर्ट है। तो मैनेजमेंट साइंस भी है और आर्ट भी है। लेकिन जब आप बात करते हो प्रोफेशन की तो मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं? माय डियर स्टूडेंट, मैनेजमेंट इज नॉट एग्जैक्ट प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है मैं आपको बताऊंगा अभी। क्लास 11 के बीएसटीडी में आपने पढ़ा होगा प्रोफेशन मतलब कोई भी ऐसा काम जिसको करने के लिए स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए, जैसे डॉक्टर, जैसे लॉयर, जैसे टीचर, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट। बाबा डॉक्टर, लॉयर, टीचर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सब के सब प्रोफेशन है भाई और बहनों, ये सब के सब प्रोफेशन के कैटेगरी में आते हैं। डॉक्टर को बोलिए, लॉयर को बोलिए, टीचर को बोलिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोलिए, ये सब लोग प्रोफेशन में। ये लोग क्या करते हैं, आलू बेचते हैं कि प्याज बेचते हैं बताइए? डॉक्टर, लॉयर, टीचर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये लोग कोई गुड्स नहीं बेचते हैं। दे गिव देयर सर्विस, दे गिव देयर सर्विस, दे डोंट सेल द प्रोडक्ट। सी गाइज, दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज द प्रोडक्ट गाइज, ये प्रोडक्ट है भाइयों और बहनों। बट ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, ये सर्विस है भाई। क्या है? सर्विस। तो प्रोफेशन में क्या क्या खूबी होता है मैं आपको बताता हूं, सुनना, मैं आपको बताता हूं, सुनना। पहला है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। डॉक्टर, लॉयर, टीचर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सबका अपना एक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। भैया बॉडी ऑफ नॉलेज मतलब नॉलेज का बॉडी क्या? अरे ना रे बाबा ना, बॉडी ऑफ नॉलेज मतलब ब्रांच ऑफ स्टडी, बॉडी ऑफ नॉलेज मतलब ब्रांच ऑफ स्टडी। मैनेजमेंट का अपना एक ब्रांच ऑफ स्टडी है, वैसे डॉक्टर, लॉयर, टीचर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सबका अपना एक ब्रांच ऑफ स्टडी होता है। तो प्रोफेशन वो होता है ना जिसका अपना ब्रांच ऑफ स्टडी हो। दूसरा बात देखो, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री मतलब कोई भी राम, श्याम, यद्दू, बबलू, कबलू, आबला डाबला बाबला प्रोफेशनल नहीं बन सकता। कोई भी डॉक्टर बन जाएगा क्या? कोई भी आबला डाबला डॉक्टर बन जाएगा बताओ? कोई भी आबला बाबला प्रोफेशन बन जाएगा क्या? कोई भी आसिक लोग प्रोफेशन बन जाएगा क्या? डॉक्टर, लॉयर, टीचर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप लोग जैसे लोग ही बन सकते हैं। आप लोग जैसे पढ़े लिखे लोग, आप लोग जैसे टैलेंटेड लोग, आप लोग जैसे क्वालिफाइड लोग, आप लोग जैसे मेहनती लोग बन सकते हैं। कोई अबलू बबलू नहीं बन सकता, समझ लीजिए। किसी का नाम बबलू होगा तो बुरा मत मानिएगा, थैंक यू बाबू। तो देखिए प्रोफेशनल में एक रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होता है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री मतलब नॉट एवरीबॉडी कैन बी द प्रोफेशनल, नॉट एवरीबॉडी कैन बी द प्रोफेशनल। हर आदमी प्रोफेशनल नहीं बन सकता। इन ऑर्डर टू बी द प्रोफेशनल यू शुड बी क्वालिफाइड। प्रोफेशनल वही बनते हैं जो क्वालिफाइड होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, जिनके अंदर क्वालिटी होता है। डॉक्टर, लॉयर, टीचर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सब प्रोफेशनल लोग होते हैं। तीसरा है प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशन मतलब जैसे सीए का, चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग का इंस्टीट्यूट है एग्रोपोलिस मॉल के पास। नाम सुना है ना एग्रोपोलिस मॉल का भाई लोग? एग्रोपोलिस मॉल का नाम सुने आप लोग सब? एग्रोपोलिस मॉल का नाम सुने बताइए? एग्रोपोलिस मॉल में हम लोग क्यों जाते हैं? फोटो खींचने के लिए क्यों जाते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे लोग, वेरी गुड। तो एग्रोपोलिस मॉल में, हाँ, घूमने के लिए, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, एग्रोपोलिस मॉल जो है उससे थोड़ा पीछे ना एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का नाम है, उस बिल्डिंग का नाम है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। हर प्रोफेशनल का, हर प्रोफेशन का अपना एक इंस्टीट्यूट होता है। डॉक्टर लोग का अपना है इंडियन मेडिकल काउंसिल, बस मेरे ना, इंजीनियर लोग का अपना एक एसोसिएशन है, टीचर्स लोग का अपना टीचर्स एसोसिएशन है। उसी तरह से हर आदमी का अपना एक एसोसिएशन होता है, अपना एक इंस्टीट्यूट होता है। मैनेजमेंट का भी अपना एक इंस्टीट्यूट है, इंडियन मैनेजमेंट एसोसिएशन, ठीक है बाबू? इंडिया मैनेजमेंट का भी अपना एक एसोसिएशन है। एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड। डॉक्टर, लॉयर, टीचर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सबका अपना एक एथिक्स होता है। एथिक्स मतलब हाउ टू बिहेव, हाउ टू टॉक, कैसे बात करेंगे, कैसे। देखो एक नॉर्मल आदमी जैसे तैसे बात कर लेगा, बट मैं आपसे जैसे तैसे बात नहीं करूंगा। मेरा एक टोन होगा, मेरा एक स्टाइल होगा बात करने का, क्योंकि मुझे सिखाया गया है। डॉक्टर, लॉयर, टीचर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, हर आदमी को सिखाया जाता है कि कैसे आप बात करेंगे, कैसे लोगों से डील करेंगे। और लास्ट है सर्विस मोटिव। प्रोफेशन में लोग क्या देते हैं? सर्विस। तो देखो आपका एग्जाम में ये नहीं पूछेगा व्हाई
मैनेजमेंट इज प्रोफेशन। मैंने आपको समझाया कि प्रोफेशन के अंदर ये सब खूबी होता है और ये सारे क्वालिटीज कहीं ना कहीं टू एन एक्सटेंट कुछ हद तक मैनेजमेंट के अंदर भी होते हैं। बट एक यूनिक सा वर्ड यूज किया जाता है, मैनेजमेंट इज नॉट फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन। मैनेजमेंट पूरा पूरी प्रोफेशन नहीं है। मैनेजमेंट इज नॉट फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन। मैनेजमेंट पूरा पूरी प्रोफेशन नहीं है। मैनेजमेंट इज इमर्जिंग प्रोफेशन। इमर्जिंग emerging इमर्जिंग मैं लिखवा दूंगा अभी आपसे। एमसीक्यू में पूछा था एक बार कि मैनेजमेंट इज 2019 में पूछा था फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन या फिर इमर्जिंग प्रोफेशन, तो आंसर होगा इमर्जिंग प्रोफेशन। मतलब ये प्रोफेशन बन रहा है, इट इज इमर्जिंग प्रोफेशन नाउअडेज। वहां पे लिख दीजिए, बुक है सबके पास, बुक सबके पास है, बुक लिख दीजिए। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन के बगल में लिख दीजिए इट इज, बुक है लिख दो भाई बुक के बगल में इट इज, बुक सब बच्चे ले लिए हैं लिख दीजिए उसके बगल में, इट इज इमर्जिंग प्रोफेशन। इमर्जिंग emerging इमर्जिंग प्रोफेशन, इट इज इमर्जिंग प्रोफेशन। प्रोफेशन है नहीं, आज के जमाने में प्रोफेशन बन रहा है। अरे भाई बुक में तो देखो ना, 2 नंबर पेज में, आप क्लास किए आपको याद नहीं पेज नंबर। देखिए हमको गुस्सा नहीं आता है, बट सवाल तो सही पूछो बाबू। जिनके पास बुक नहीं है, बुक जीरोक्स करा लीजिए, हमसे लीजिएगा तो अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन बाद आपको डिलीवरी मिलेगा। आप क्लास करते हो, आपको पता नहीं पेज नंबर कितना है, 2 पेज तो अभी पढ़ाई हुआ है। आइए तो जल्दी से बताइए ये वाला कुछ बात मैं पूछता हूं, मैनेजमेंट साइंस है या सोशल साइंस है? आई वॉन्ट द रिप्लाई। मैनेजमेंट साइंस में नहीं, सॉरी का कोई बात नहीं बाबू, थोड़ा 12 में आ गए ना। बताइए मैनेजमेंट साइंस है या सोशल साइंस है? सोशल साइंस। ओके, हमको लगता है कि आज टेस्ट में 30 में 30 सबका आएगा, सॉरी 30 का तो पेपर बनाया नहीं, 25 का पेपर बनाया, 25 में 25 आएगा लग रहा है। हाँ अच्छा, और बताओ मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं? मैनेजमेंट आर्ट है, यस और नो? यस। और मैनेजमेंट बोथ आर्ट एंड साइंस है। मैनेजमेंट बोथ आर्ट एंड साइंस है। इस चैप्टर से खाली एमसीक्यू ऐसे क्यों, फाइनल में भी आएगा, इसीलिए हम लोग टेस्ट भी उसी का ले रहे हैं। फाइन, और बताइए मैनेजमेंट को प्रोफेशन बोलेंगे, एग्जैक्ट प्रोफेशन या फिर इमर्जिंग प्रोफेशन? इमर्जिंग emerging इमर्जिंग प्रोफेशन, इमर्जिंग प्रोफेशन। बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया, ये सब याद रखना है, सब एग्जाम का क्वेश्चन है बाबा, सब एग्जाम का क्वेश्चन है। आ जाओ इस चैप्टर के लास्ट 2 टॉपिक में हम लोग जा रहे हैं। थोड़ा बोर्ड को दिखाइए, बोर्ड दिखाना पड़ेगा भाई। आइए बोर्ड दिखाते हैं आप लोग को। चलिए बोर्ड दिख रहा बाबू, कैमरा ऑन करिए ना, कैमरा ऑन किया हुआ है बाबू। एक बच्चा बोला नाइस बोर्ड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आता आप लोगों को ऑनलाइन क्लास करा के। चलिए हमको तो बहुत अच्छा लगता है भाई। आइए गाइस, सर क्या सम्स बनाइएगा? अच्छा अब मैंने क्या सोचा है ना, देखो अकाउंट्स क्लास में क्या होता है ना, आप लोग का बोर्ड देखने में बहुत दिक्कत होता है, इसलिए अकाउंट्स क्लास में जो बड़ा सम्स मुझे कराना रहेगा, अब से मैं आपको उसका रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, अब से मैं उसका आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। अब थ्योरी, क्योंकि सम्स में क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चों को नेट बोर्ड के कारण दिखता नहीं है, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा और उसके बाद जो सम्स जो मुझे थ्योरी कराना रहेगा तो मैं ऑडियो में कराऊंगा। इससे क्या होगा, क्लास आपके पास रहेगा, आप कभी भी रिवीजन कर सकते हैं। जैसे कोई सम्स रहा तो आपको हमसे पूछना नहीं पड़ेगा, बार बार आप देखोगे खुद समझ आ जाएगा, अब बोर्ड भी उसमें साफ साफ दिखेगा, कल से आपको वैसे ही मिलेगा क्लास। मिल गया बाबू बोर्ड, दिख रहा ना बोर्ड, दिख रहा? चलिए भाई, क्योंकि बहुत बच्चे ना नेट का प्रॉब्लम के कारण नहीं दिख जाते, थ्योरी में तो मजा आता है, प्रैक्टिकल में देखने में दिक्कत होता है। आइए मैनेजमेंट का लेवल आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं, सुन लीजिए भाई। मैनेजमेंट का लेवल को ना एक पिरामिड डायग्राम, कौन सा डायग्राम बाबू? पिरामिड डायग्राम, दिख रहा ना सबको? पिरामिड, त्रिभुज। सर ये सिंघाड़ा है क्या? सर ये सिंघाड़ा है क्या?
नाश्ता कराएंगे क्या? सिंघाड़ा नहीं है, सिंघाड़ा नहीं है, इसको सिंघाड़ा नहीं बोलते, इसको बोलते पिरामिड। क्या बोलते बाबू? पिरामिड डायग्राम। कौन सा डायग्राम? हाँ, सिंघाड़ा नहीं है बाबू। लॉकडाउन में सिंघाड़ा खाने निकलेंगे बाबा, पुलिस मारेगा। सर मेरा स्क्रीन मोड में करिए ना भाई, आप लोग का भी नटखट बहुत है बाबा। रुको कर दे रहे, रुको स्क्रीन में कर दे रहे, फिर मैसेज नहीं देख पाएंगे। पर चलो पूरा बोर्ड दिखाते हैं आपको हम, कोचिंग का सुंदर सुंदर बोर्ड। दिख रहा ना बाबू? आइए, ये सिंघाड़ा नहीं है, दिस इज कॉल्ड पिरामिड डायग्राम। एंड माय डियर स्टूडेंट, मैनेजमेंट के तीन लेवल होते हैं। कितने लेवल होते हैं भाई? तीन। कितने लेवल होते हैं? तीन। देयर आर थ्री लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये पूरा डायग्राम में मैनेजमेंट को तीन, मतलब कोई भी बिजनेस में आप जाइएगा, कोई भी ऑफिस में आप जाइएगा, कोई भी इंस्टीट्यूट में आप जाइएगा, मैनेजमेंट को तीन पार्ट में बांटा गया। कितना पार्ट में बाबू? तीन। एक होता है टॉप, ओ माई गॉड। एक होता है मिडिल, ओ बाबा। और एक होता है बॉटम और लोअर और ऑपरेशनल। इसको टॉप बोलते हैं, मिडिल बोलते हैं, बॉटम लोअर और ऑपरेशनल। स्पेलिंग देख दे रहे बाबा, ऑपरेशनल। ध्यान से सुनिए, मैनेजमेंट के तीन लेवल होते हैं। क्या क्या भाई? टॉप मिडिल बॉटम, टॉप मिडिल बॉटम, टॉप मिडिल बॉटम। अगर आपसे कोई पूछेगा कि मैनेजमेंट के लेवल कितने हैं, तो आप क्या बोलेंगे? तीन। जल्दी से बताइए लेवल कितने हैं भाई? तीन। देखो किताब में भी लिखा हुआ है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल का तीन तीन नाम है। टॉप लेवल सुपरवाइजरी लेवल, ऑपरेशनल लेवल या लोअर लेवल या फिर बॉटम लेवल। अच्छा सर, टॉप में कौन आते हैं? मैं आपके स्कूल का पूरा एग्जाम्पल देता हूँ। आपके स्कूल का जो प्रिंसिपल है ना, वो टॉप लेवल में आते हैं। आपके स्कूल का प्रिंसिपल सर या प्रिंसिपल मैम, हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस, वो टॉप लेवल में है बाबा। आपके जो क्लास टीचर है ना, नॉटी नॉटी क्लास टीचर, नटखट नटखट क्लास टीचर, वो लोग सब मिडिल लेवल में है। कौन सा लेवल बाबू? मिडिल। और आपके स्कूल के जो दरवान जी अंकल है, दरवान जी, दरवान जी, वो बॉटम लेवल में है। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर आपसे कोई पूछे कि मैनेजमेंट का लेवल कितना होता है, तो आप क्या बोलोगे? तीन। टॉप मिडिल लोअर। क्या क्या बोलिए? टॉप मिडिल लोअर। देयर आर थ्री लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप मिडिल और लोअर। क्या बोले बाबू? कैमरा बंद हो गया। ओके, कैमरा से जरूरत भी नहीं है ज्यादा। वैसे मैंने समझा दिया कि मैनेजमेंट के लेवल कितने होते बाबू? तीन, टॉप मिडिल और लोअर। अपना इसको अपना अपना बुक में कॉपी करना, जिनके पास बुक है ना, बुक में आप कॉपी करना। टॉप लेवल में कौन आता है भाई? टॉप लेवल में आता है सीईओ। सर सीईओ का फुल फॉर्म? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इसको बुक में कॉपी कर लीजिए, जिनके पास बुक है कॉपी कर लीजिए। सर टॉप लेवल का काम क्या होता है? टॉप लेवल का काम होता है पॉलिसी बनाना। क्या बनाना? पॉलिसी। आपके स्कूल में छुट्टी होगा या स्कूल चालू रहेगा, ये डिसीजन दरवान जी लेते हैं क्या? आपके स्कूल में छुट्टी रहेगा या क्लासेस होगा, ये डिसीजन दरवान जी लेते हैं क्या? ना, प्रिंसिपल लेते हैं, प्रिंसिपल, हेडमास्टर लेते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, टॉप वाला का काम होता है क्या होता है? देखिए हम यहां पे लिख देते हैं, टॉप वाला का काम होता है पॉलिसी बनाना। अगर आपसे पूछेगा कि वो कौन सा लेवल है जहां पर पॉलिसी बनता है, पॉलिसी बिजनेस चलाता कौन है? टॉप वाला लोग। इसीलिए टॉप वाला को हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन भी बोलते हैं। उसके बाद मिडिल वाला में आइए। मिडिल वाला का काम क्या बोलिए? तो टॉप वाला को बॉटम वाला से जोड़ना, बॉटम वाला को टॉप से जोड़ना। मतलब इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? मिडिल वाला। आपका प्रॉब्लम आप क्लास टीचर को बोलोगे, क्लास टीचर जाके हेडमास्टर को बोलेगा, फिर हेडमास्टर कुछ बोलेगा, वो क्लास टीचर को बोलेगा, क्लास टीचर आकर के आपको बोलेगा। तो ये सारा क्या है? देखो टॉप मिडिल बॉटम, बॉटम मिडिल टॉप। तो देखिए मिडिल का काम क्या है? टॉप और बॉटम को जोड़ना। कुछ एग्जांपल आपको हम दिखाते हैं। सीईओ, सीएफओ, एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, ये सब बड़ा बड़ा पोस्ट है। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, ये सब टॉप लेवल के लोग हैं।
ठीक है बाबू, सीईओ, सीएफओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, इसको ऐसे ही कॉपी करेंगे, इसको ऐसे ही कॉपी करेंगे जैसे हम किए। इसको ऐसे ही कॉपी करिए। मैनेजमेंट का तीन लेवल है, टॉप, मिडिल और लोअर, टॉप, मिडिल और लोअर, एकदम ऐसे ही कॉपी करते रहिए साथ साथ। बुक है आप लोगों के पास, एकदम ऐसे ही कॉपी करिएगा। अच्छा, मिडिल लेवल में आता कौन है? मिडिल लेवल में आता है डिपार्टमेंटल हेड। डिपार्टमेंटल हेड का मतलब क्या हो गया? हर डिपार्टमेंट का जो हेड होगा, जैसे कि परचेज मैनेजर, जैसे कि सेल्स मैनेजर, हम दो दो एग्जांपल यहां पे लिखते हैं बाबा, एटसेट्रा, प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ये सब मिडिल लेवल के लोग हो गए, मिडिल लेवल में आता है। और बॉटम लेवल में कौन आते हैं? दरवान जी, फोरमैन। फोरमैन मतलब जो मशीन का देखभाल करता हो, सुपरवाइजर। उसके बाद क्लर्क, वॉचमैन, एटसेट्रा। देखिए लिंक कॉपी करिए पहले, फिर समझाते हैं। कोचिंग का बुक में कॉपी कर दीजिए, फिर समझाते हैं। कॉपी कर दीजिए, उसके बाद बोलेंगे। कॉपी हो जाएगा तो बोलना, फिर से समझाएंगे। हो गया क्या बाबू? हाँ देखिए, तो हम आपको समझाते हैं, आप समझना। देखो पूरा कोई भी मैनेजमेंट को ना तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होता है टॉप लेवल, एक होता है मिडिल लेवल और एक होता है लोअर लेवल। कोई भी बिजनेस में आप जाओगे, तीन, जैसे आपके घर में भी तो तीन दो लेवल है, टॉप लेवल मतलब मम्मी पापा, मिडिल लेवल मतलब भैया दीदी, अब बॉटम लेवल मतलब आप, जो आया बेटा आपका ऊपर हाथ साफ करके चला गया, तो छोटे होने का ये तो डिसएडवांटेज है। तो माय डियर स्टूडेंट, टॉप लेवल मतलब जो लोग पॉलिसी बनाते हैं, मिडिल लेवल मतलब जो लोग टॉप लेवल और मिडिल लेवल को जोड़ते हैं, बॉटम लेवल को जोड़ते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, उनको मिडिल लेवल बोलते हैं। और लोअर लेवल मतलब जो लोग एक्चुअली काम करता है, दरवान जी, सुपरवाइजर, क्लर्क, वॉचमैन। आपसे एग्जाम में पूछेगा, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, या फिर क्वेश्चन में एग्जाम्पल दे देगा, आपको बोलेगा बताओ कौन सा टॉप लेवल है, कौन सा मिडिल लेवल है और कौन सा बॉटम लेवल है। समझ गए बाबू? समझ गए बच्चे लोग? समझ गए कि फिर से बताए? बोलिए, ऐसे मेरा क्लास रिकॉर्ड भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ गया? फिर से बोल बताए बाबू। और पता है टॉप लेवल का दूसरा नाम क्या है? टॉप लेवल का दूसरा नाम है एडमिनिस्ट्रेशन। टॉप लेवल का दूसरा नाम है एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए मैनेजमेंट के कितने लेवल होते हैं, तो योर आंसर विल बी देर आर थ्री लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, देर आर थ्री लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप, मिडिल और लोअर। टॉप लेवल का काम है पॉलिसी बनाना, मिडिल लेवल का काम है टॉप लेवल को बॉटम लेवल से जोड़ना, और बॉटम लेवल का काम है काम करना। एक बात बताइए ना, बिल्डिंग कौन बनाता है? बिल्डिंग इंजीनियर बनाता है या मजदूर बनाता है? बताइए, आप लोग बताइए, इंजीनियर बनाता है या मजदूर बनाता है? आप लोग बोलो, हम तो नहीं बोलेंगे, आप लोग बोलो भाई। हाँ गुड़िया, वेरी गुड, मजदूर बनाता है। तो सर इंजीनियर क्या करता है? इंजीनियर पॉलिसी बनाता है, इंजीनियर प्लान बनाता है, इंजीनियर तैयार कर देता है कि उसको कैसे बिल्डिंग बनाना है। तो इंजीनियर का काम है प्लान करना। माय डियर स्टूडेंट, एक बात बताइए, मेरा कोचिंग, आप लोग बताइएगा, मेरा कोचिंग में जो मासी आती है,
मेरा कोचिंग में जो मासी आती है झाड़ू देने के लिए, उनको आप टॉप लेवल में बोलोगे, मिडिल लेवल में बोलोगे या बॉटम लेवल में बोलोगे, बताओ? लोअर लेवल में बोलोगे। वेरी गुड ज्योति, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑडियो में नहीं, टाइप ही मैसेज करेंगे तो अच्छा लगेगा। लोअर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझे? लेकिन मिडिल और टॉप दोनों हम ही हैं, क्योंकि क्योंकि मेरे बीच में और कोई नहीं है जो आप तक मेरा मैसेज पहुंचाए। हम खुद आपको मैसेज देंगे, खुद आपको पढ़ाएंगे, खुद प्लान करेंगे। तो टॉप लेवल भी हम हो गए, मिडिल लेवल भी हम हो गए। तो हर बिजनेस में तीन तरह का लेवल होता है, टॉप, मिडिल, बॉटम। टॉप का एक दो एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, मिडिल का एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, बॉटम का एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। टॉप का काम होता है पॉलिसी बनाना, मिडिल का काम होता है टॉप और बॉटम को जोड़ना, अब बॉटम का काम होता है काम करना। ठीक है बच्चे लोग, यस और नो? यस और नो गाइस? आगे बढ़ते हैं, चलो। यस, फाइन, आ जाओ। ये वाला पार्ट भी हम लोग कंप्लीट कर लिए, तो मेरा नोट्स में टॉप, मिडिल, लोअर लिखा हुआ है, ये वाला कॉपी कर लीजिएगा बुक में। और कोई बच्चा अगर कॉपी अच्छा से किया होगा तो उनको भेज दीजिएगा, हम सबको दे देंगे। अब आइए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन तो आपको हम उसी दिन पढ़ा दिए थे कि मैनेजमेंट के फंक्शन कितने होते हैं, पांच होते हैं ना जी। अच्छा, फर्स्ट फंक्शन प्लानिंग और लास्ट फंक्शन कंट्रोलिंग। और ये पांच फंक्शन किसने दिया था, ये पांच फंक्शन जिन्होंने दिया था उनका नाम था हेनरी फ्योर। जिनके पास बुक है ना, लास्ट में एक और बात ऐड कर लीजिए और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। जिनका बुक है, बुक निकालिए, लास्ट में एक पॉइंट और ऐड करिए और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आर यू रेडी गाइस? चैप्टर को लास्ट करने वाले हम लोग, चैप्टर के लास्ट मोमेंट में पहुंच गए हैं। चलो, लास्ट चीज हमेशा खतरनाक होता है, आइए देखते हैं। आइए देखिए, एक महान आदमी थे मैनेजमेंट के दुनिया में, महान आदमी, उनका नाम था लूथर गुलिक। एक महान आदमी थे मैनेजमेंट में, उनका नाम था लूथर गुलिक। क्या नाम था बाबा? लूथर गुलिक, GULIC के गुलिक। उन्होंने एक सुंदर सा शब्द दिया, उन्होंने एक सुंदर सा शब्द दिया। वो शब्द क्या था देखिए, PODSCORB, ये इनका वर्ड था। आपसे पूछेगा कि बताओ पॉडस्क्रॉप किसने दिया था, बहुत हर एक एक साल छोड़ के क्वेश्चन देता है, पॉडस्क्रॉप किसने दिया था? तो आंसर होगा लूथर गुलिक। क्या होगा बाबू? लूथर गुलिक। पर आपके मन में एक सवाल चलता होगा, भैया पॉडस्क्रॉप मतलब, पॉडस्क्रॉप मतलब? सुनो, जैसे CA मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, जैसे DR. मतलब डेबिट भी होता है, DR. मतलब डॉक्टर भी होता है, तो ये पॉडस्क्रॉप का क्या मतलब है? ये पॉडस्क्रॉप जो है ना, देखिए बताते हैं, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर, छह नंबर और सात नंबर। ये पॉडस्क्रॉप जो है, ये पॉडस्क्रॉप उन्होंने कहा था अकॉर्डिंग टू लूथर गुलिक, मैनेजमेंट के सात फंक्शन होंगे। कितने फंक्शन होंगे? सात। एक मैनेजर का सात ठो काम होगा, सात ठो। हेनरी फ्योर के हिसाब से पांच ठो, लेकिन लूथर गुलिक का हिसाब से कितना होगा बाबू? सात। कितना फंक्शन होगा? सात। सातों का नाम हम लिखने जा रहे हैं। देखिए, पी का मतलब क्या होता है? पी का मतलब प्लानिंग। ओ का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजिंग। डी का मतलब क्या है? डायरेक्टिंग। सब तो सेम ही है भैया। एस का मतलब क्या है? स्टाफिंग। CO का मतलब यहां पे नया है, कोऑर्डिनेटिंग। R भी यहां पर नया है, रिपोर्टिंग। अब B भी यहां पर नया है, बजटिंग। तो अकॉर्डिंग टू लूथर गुलिक, मैनेजमेंट के फंक्शन कितने होंगे बाबू? सात। कितने फंक्शन होंगे? सात। देख लीजिए, बोर्ड दिख रहा है ना सबको? आप पहले लिख लो, फिर हम बताते हैं। एक बार लिख लीजिए आप लोग, फिर समझाते हैं। लिख लीजिए, फिर से समझाते हैं।